हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एक्स्ट्रा लेक्चर्स। आज हम पढ़ेंगे एनक्यून प्रॉब्लम बाय बैक ट्रैकिंग। तो एनक्यून प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम फोर क्यून प्रॉब्लम देखते हैं। हमें यहाँ पे एक चेस बोर्ड दिया हुआ है। इस चेस बोर्ड में हमें चार क्यून को प्लेस करना है। क्यून्स हमें इस तरीके से प्लेस करना है कि ना वो उस सेम रो में प्लेस्ड हो, ना सेम कॉलम में, ना ही डायगनली। तो आइए हम इसे सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हमें प्लेस करना है क्यून वन। तो हम स्टार्ट करते हैं फर्स्ट सेल से। देन इसके बाद क्यून टू प्लेस करेंगे हम। अब क्यून वन यहां पे प्लेस्ड हो चुकी है, तो इस पर्टिकुलर कॉलम में और इस रो में हमें प्लेस नहीं करना है। अब क्यून टू प्लेस करना है, ना ही हम डायगनली प्लेस कर सकते, तो क्यून टू यहां पे प्लेस करेंगे हम। इसके बाद क्यून थ्री प्लेस करने के लिए अब हमारे पास फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम में प्लेस नहीं कर सकते हैं, ना ही हम यहां पे प्लेस कर सकते हैं, ना ही यहां पे। अब यहां पे अगर हमने प्लेस्ड करी क्वीन थ्री तो ये डायगनली हो जाएगा, यहां पे भी प्लेस नहीं कर सकते। और अगर यहां पे प्लेस्ड करी क्वीन थ्री तो ये भी डायगनली हो जाएगा, तो यहां पे भी हम प्लेस नहीं कर सकते। तो इसके लिए अब हमें बैक ट्रैक करना पड़ेगा, मतलब ऊपर वाली जो क्वीन है उसका हमें पोजिशन को चेंज करना पड़ेगा। तो अभी हम क्वीन थ्री को होल्ड पे रखते हैं और बैक ट्रैक करते हैं क्वीन टू के लिए। और हम यहां पे शिफ्ट करते हैं क्वीन टू को राइट साइड। अब हम देखते हैं क्वीन वन यहां पे आ गई है, क्वीन टू यहां पे आ गई है। अब इसके बाद अगर हम डायगनली चेक करें तो ये यहां पे भी प्लेस नहीं कर सकते, तो एक जो पोजीशन बची है वो है ये। तो यहां पे हम क्वीन थ्री को प्लेस कर देंगे। अब इसके बाद क्वीन फोर को प्लेस करना है। क्वीन फोर के लिए हम चेक करते हैं, यहां पे भी प्लेस नहीं कर सकते हैं, यहां पे प्लेस करेंगे तो ये डायगनली हो जाएगा। इट मीन्स हमें बैक ट्रैक करना पड़ेगा फिर से। अब हम बैक ट्रैक करेंगे, हम ऑलरेडी क्वीन टू को बैक ट्रैक कर चुके हैं, अब हमें बैक ट्रैक करना पड़ेगा क्वीन वन को। तो हम क्वीन वन को बैक ट्रैक करेंगे। क्वीन थ्री अभी हमने प्लेस नहीं करी है, सबसे पहले हम क्वीन वन को बैक ट्रैक करेंगे। तो जो यहां पे थी उसको हम राइट शिफ्ट कर देंगे। देन उसके बाद देखेंगे डायगनली और उस पर्टिकुलर रो एंड कॉलम में। तो हमारे पास क्वीन टू यहां पे प्लेस्ड होगी, चेक करेंगे हम। देन इसके बाद क्वीन थ्री अब हम यहां पे भी प्लेस नहीं कर सकते हैं, यहां पे भी नहीं कर सकते हैं। अगर आप चाहे तो डायगनली पेंसिल से या आप ऐसे रफ डायग्राम में आप डायगनली और हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली आप ऐसी लाइंस बना सकते हैं। अब क्वीन थ्री के लिए पोजीशन बची है ये, सो अब हमने क्वीन थ्री को प्लेस कर दिया है। अब हम क्वीन फोर को प्लेस करेंगे। क्वीन वन यहां पे आ गई है, टू यहां पे, थ्री यहां पे। अब हम चेक करेंगे कौन सी जगह खाली है, इसके लिए डायगनली चेक करेंगे। यहां पे, यहां पे प्लेस, यहां पे प्लेस हमें दिख रही है, यहां पे हम क्वीन फोर को प्लेस कर सकते हैं। अब हम अगर चेक करें तो ना ही कोई क्वीन सेम रो में है, ना ही सेम कॉलम में, ना ही डायगनली है। तो हमारा जो डिजायर्ड सॉल्यूशन लिख रहा है फोर क्वीन प्रॉब्लम के लिए वो है टू फोर वन थ्री। आइए अब हम एट क्वीन प्रॉब्लम को समझते हैं। तो अब हमारे पास एट क्रॉस एट का चेस बोर्ड है। अब हमें इसमें एट क्वींस को प्लेस करना है। एट क्वींस वैसे ही प्लेस होगी, ना कोई क्वीन सेम रो में आनी चाहिए। अगर एक रो में प्लेस्ड हो गई है तो उसमें अब सेम रो में नहीं आएगी, ना ही सेम कॉलम में आनी चाहिए और ना ही डायगनली आनी चाहिए। तो इसका शॉर्ट ट्रिक मैं आपको
यहाँ पे सॉल्व करके बताऊंगी इसका डिजायर्ड सॉल्यूशन, जो फाइनल सॉल्यूशन रहेगा। आप बैक ट्रैक से उसको सॉल्व करिए। बैक ट्रैक से सॉल्व करने के बाद जो सॉल्यूशन निकलेगा वो ये है, 3, 6, 2, 7, 1, 4, 8, 5। मतलब जो पहली क्वीन रहेगी वो थर्ड पर प्लेस्ड होगी, देन 6, देन 2, ऐसे ही करके हम क्वींस को प्लेस करेंगे। अब हम यहाँ पे चेक करते हैं क्या कोई भी क्वीन सेम कॉलम में है या सेम रो में। हम ऐसे उसको चेक कर सकते हैं, ना ही कोई सेम कॉलम ना ही सेम रो में है कोई क्वीन, और ना ही डायगनली एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही है। सो फ्रेंड्स, आपको ये लेक्चर कैसा लगा प्लीज कमेंट बॉक्स में बताइए, और मेरे चैनल एक्स्ट्रा लेक्चर्स को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और इस वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए। थैंक यू।